वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त रेल्वे संरक्षण दल नागपूर आशुतोष पांडे यांच्या निर्देशानुसार वर्धा रेल्वे स्थानक ते सेवाग्राम आश्रमपर्यंत बाईक रॅली काढण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आज 2 जुलैला बाईक रॅली काढण्यात आली. तसेच देशभक्तीपर गीतांनी वातावरणात उत्साह निर्माण झाला होता. 3:30 दरम्यान बाईक रॅलीचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला. व्हिडिओ वॉल वॅन आणि बँड स्कोअरसह वर्धा रेल्वे स्थानकावर आगमन झाले. त्यांचे स्टेशन मास्तर वर्धा येथील ठाकूर आणि पोलीस निरीक्षक वर्धा येथील बांदीकर, पोलीस निरीक्षक सेवाग्राम राठोड यांच्या समवेत भव्य स्वागत करण्यात आले आणि वर्धा रेल्वे स्थानकावरून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या आश्रमापर्यंत बाईक रॅली काढण्यात आली. यावेळी वर्धेतील सर्व RPF अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. भारत देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल नागपुर श्रीमान अतुल श्री आशुतोष पांडे साहब के निर्देशन में तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त जोगी साहब फोकाजी जोगी साहब के निर्देशन में RPF रेल सुरक्षा बल वर्धा द्वारा जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है तथा मोटरसाइकिल बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है. इसलिए नागपुर से रेल सुरक्षा बल का बैंड और वीडियो वैन आई हुई है. साथ में सब रेल सुरक्षा बल के अधिकारी और स्टाफ उपस्थित है. स्टेशन मास्टर और बाकी रेल कर्मचारियों की उपस्थिति में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है. रेलवे स्टेशन वर्धा से लेकर के सेवाग्राम रेलवे स्टेशन तक महात्मा गांधी की कुटीर तक ये प्रोग्राम किया जाएगा. इस दौरान सभी पुलिस बल और रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी और स्टाफ उपस्थित रहेंगे. सर, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इसके उद्देश्य है कि आज़ादी भारत देश को स्वतंत्र 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं. इस उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से उपक्रम चलाया जा रहा है. उसके साथ में हम लोग भी खुशी जाहिर करने के लिए ये प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा.